एक तरीके से जलिया वाला बाग शुरू में बना दिया और अब बाद में छाप क्या नाम है हाथरस वाला जैसा हो गया। पुलिस युवक खुद बॉडी उठाकर अपने आप जलिया में दफन करने के लिए लेके गई है। ये कहीं हुआ है आज तक? ये नाइंसाफी नहीं है? जबरदस्ती नहीं, आम गांव था हमारा, जाता नहीं दफन में? जिसके कानून से पूरा देश चल रहा है, आज उसी कानून की प्रशासन ने हत्या कर रखी है। उसके पीछे जो दबे कुचले दलित समाज के लोग हैं उनको तो बेरहमी से मारा गया है और उनके साथ अन्याय हुआ है। लईवाड़ा गांव में जहां पर एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, 27 फरवरी को एक ऐसी युवक की मौत हो गई और उसके बाद से आज पूरा गांव छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सब का जो है अंतिम संस्कार परिजन उसी अंबेडकर बोर्ड के पास करना चाहते थे जहां पर गोली मारी गई थी, जहां पर उस युवक की मौत हुई थी, लेकिन प्रशासन और कुछ लोगों ने मिलकर ज़बरदस्ती बॉडी को जो है शमशान घाट में ले गए। तो हम यहां पर आए हुए कुछ लोगों से बात करेंगे कि प्रशासन का कैसा रवैया है इस घटना को लेकर के, यहां के लोग क्या सोच रहे हैं। जी आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपक सागर है। जी दीपक जी, क्या सी सिचुएशन है, प्रशासन का रवैया कैसा? प्रशासन का रवैया ठीक नहीं है, यहाँ पर हमारे साथ नाजास्ती हो रही है, क्योंकि आज हमारे भाई की बारी है, कल हमारी बारी होगी। ऐसे तो देखो प्रशासन के मौजूदगी में किसी को गोली सर पे मारना ये कहाँ का न्याय है? ये बिल्कुल भी अन्याय है हमारे साथ। और आज ज़बरदस्ती के माध्यम से ही सभी लोगों पे दबाव बनाया जा रहा है और हमारी जो डेड बॉडी थी, हम चाहते थे इसी अंबेडकर पार्क में ही हमारे भाई का अंतिम संस्कार हो और इसी यहीं पर हम उसको शहीद का दर्जा दें। तो आज प्रशासन के उससे रुतबे को देख के और ना हमारे साथ जबरदस्ती करके प्रशासन अपने आप ही बॉडी को शमशान घाट ले गया। प्रशासन के रवैये से संतुष्ट हम नहीं है, संतुष्ट नहीं है। आपका क्या नाम है? जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह पुलिस से? जी अतिंद्र सिंह। अच्छा, पुलिस से सुरक्षा की उम्मीद की जाती है, ये जो घटना घटी है इसके बाद से आप लोग क्या सोच रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? ये एक तरीके से जलिया वाला बाग शुरू में बना दिया और अब बाद में छाप क्या नाम है हाथरस वाला जैसा हो गया। बस क्या लगता है, अगर ये एससी युवक ना हो करके अगर अपर कास्ट की साथ कोई घटना घटी होती तो क्या स्थिति होती? प्रशासन का यही रवैया होता है क्या? तब तो पूरा सपोर्ट होता प्रशासन का, तब तो हर कोई आया होता, विधायक भी आए होते, छोटे नेता से लेकर बड़ा नेता, विधायक सांसद तो अभी भी आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि वो आपके बारे में कह रहे हैं, आपकी बात उठा रहे हैं या प्रशासन की बात कह रहे हैं? अभी तो प्रशासन की है, हमारी बात नहीं है। चलिए और भी लोगों से बात करते हैं। आप कहाँ रहते हैं सर? हम केवलपुर रहते हैं। केवलपुर रहते हैं, पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, सनसनी फैली हुई है, एक डर जैसा माहौल है। और क्या नाम है, हम भी सुनकर हमने सुना कि ऐसा है कि वहाँ गोली मार दी पुलिस ने, तो हम वहाँ सुनकर हम इधर को आए देखने के लिए, हम देखें क्या वारदात है। सनसनी फैली हुई है पूरे क्षेत्र में, सनसनी फैली हुई है, बहुत बुरा हाल है। और हम यही रिक्वेस्ट चाहते हैं, बाहर के हैं कोई बात नहीं है, बराबर पड़ोस में गाँव है, गाँव के रहने वाले हैं, हम पुलिस से एक इंसाफ चाहते हैं, सरकार से इंसाफ चाहते हैं कि इनके परिवार वालों को और जो जिसके घर से दुर्घटना हुई है मरा है उसको इंसाफ मिलना चाहिए, बस यही चाहते हैं। और भी लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम महेंद्र पाल है। आप कहाँ रहते हैं? जी खानपुर जदीद। खानपुर जदीद जी। तो देखिए इस घटना को लेकर के पूरे इलाके में आक्रोश है, आस पड़ोस के गांव के लोग यहां पर आए हैं, आप समझिए। तो प्रशासन तो बाहर रोक रहा था, आप आगे कैसे आए? आप दूसरे रास्ते से आए, निकल गए जंगल की। प्रशासन आने नहीं दे रहा? आने नहीं दे रहा, जंगली रास्ते से आए गाँव में। अच्छा जी, हमारा ये कहना है साहब, जिसके कानून से पूरा देश चल रहा है, आज उसी कानून की प्रशासन ने हत्या कर रखी है। उसके पीछे जो दबे कुचले दलित समाज के लोग हैं उनको तो बेरहमी से मारा गया है और उनके साथ अन्याय हुआ है। हम सभी इसमें शामिल हैं, सभी के साथ अन्याय हुआ है। तो जो कानून के रक्षक के द्वारे की लेके एक आस्था जगा रहे थे लोग, प्रतिमा लगाने की सोच रहे थे, वहाँ गंदगी रहती थी, वहाँ साफ सफाई कर दी, वहाँ लोग चार उठते बैठते, इन लोगों को नागवार गुजरा, इन्हें क्या महसूस हुआ, इन्हें क्या सोचा? किसी की जातीय जमीन तो ना छीन रहे थे, ग्राम समाज की पड़ी हुई थी अवैध,
ग्राम समाज की जमीन थी और बाबा साहब का सिर्फ बोर्ड लगाया गया था। वो बाबा साहब जिनके बनाए हुए संविधान पर ये पुलिस, ये कानून, ये देश चल रहा है, और उनके बोर्ड लगाने पर जो है प्रशासन ने इतनी बड़ी कार्रवाई कर दी कि एक युवक की मौत हो गई, पूरा गांव जो है वो छावनी में तब्दील कर दिया गया है। सिर्फ गाँव में नहीं, इलाके में पूरा डर का माहौल है, एक सनसनी फैली हुई है। कल 27 फरवरी शाम 5 बजे से जब से ये घटना घटी है, परिवार का ये व्यक्ति जो मारा गया है, पुलिस ने मारा है, उसके परिवार वालों से पूछी जाए कि उसके दिल पर क्या चोट है, उसकी माँ, उसकी बहन है, उसके परिवार के लोग किस बुरी तरीके से रो रहे हैं कि गिर रहे हैं, और जिस परिवार का सदस्य गया है वो अपने दिल पर छाती पर हाथ रख के देखें कि कितना बुरा एक माहौल बना दिया है, एक डर जैसा माहौल बना दिया है, और जिस परिवार का गया उस परिवार का क्या हाल होगा। मैं तो सरकार से यही चाहता हूँ, जो भी सरकार मौजूद है प्लस शासन से, सरकार से मैं तो यही चाहता हूँ, इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए, और इंसाफ मिलना चाहिए, और इनके लिए जो भी शहीद का दर्जा दिया जाता है शहीद का दर्जा मिलना चाहिए इन लोगों को। तो और भी लोगों से हम बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप, कुछ बोलना चाहेंगे? अच्छा, आपके गाँव में कैसा माहौल है? लोग कहते हैं कि जातिवाद खत्म हो गया, कहीं भेदभाव नहीं है, का जई सफाई पाई कराए का और वो लगवाने चाह रहा है, अपने सबके सब तो चाह रहा है कि कहा था बारात घर बनाएंगे यहीं, अपने सब कुछ करेंगे, ये सोच रहे हैं। और तो ये कौन विरोध कर रहा था, इसका खिलाफ कौन थे लोग? कुर्मी लोग उन्हीं के कहने से कार्रवाई की। हाँ, अच्छा, देखिए और भी लोगों से बात करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? हम साहब ये कहना चाह रहे हैं जो जो है यहाँ पर जो बहुत नाइंसाफी भैया हम लोगों के साथ, हमारा भैया बन था, लड़का था हमारा, उस चक्कर से वो कल आई थी गाड़ी दो, हम लोग जो अपने काम में बिजी थे और आने के बाद उन्होंने वहाँ पर गाड़ी रोकी, फिर लड़का जो है ये पहुँचे, दो एक लड़के उनने जो एकदम ऊपर दो मंजिला पर चढ़ के फायरिंग बाजी चालू कर दी पुलिस ने फायरिंग, हाँ पुलिस ने फायरिंग करी है, पुलिस की गोली से लड़का ख़त्म हुआ है, यही कहना चाह रहा है साहब। और जो बड़ी जाति है वो हमको दबाव दे रही है ज्यादातर। अच्छा, बड़ी जाति के लोग यहाँ पे दबाव रखते हैं आपको? कौन है बड़ी जाति के? ये गंगवार लोग हैं साहब। अच्छा, और क्या, भेदभाव करते हैं? भेदभाव, अच्छा, इसी चक्कर से इतने कहने जा रहे हैं। तो, नमस्कार। तो ये अंबेडकर बोर्ड जो लगाया था पार्क पर, इसका विरोध कौन कर रहा था? वो दूसरी पार्टी कर रही है, गंगवार लोग कर रहे थे। अच्छा, क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे हैं इसको हटा दीजिए, हटाइए आप, हटा दीजिए आप यहाँ पे। अच्छा, आप छोटी कास्ट के, इसलिए मतलब आओ। तो आप कहते हैं बाबा साहब का फोटो है ये, तो बाबा साहब के तो बनाए हुए संविधान पर चल रहा है, बाबा साहब से दिक्कत हो रही है सर? आज आपसे तो नहीं, वो काफी दिनों समय से कह रहे हैं हम, तो हम लोग अब कल आकर हो गया जो होना था, गोली मार दी, पुलिस ने गोली मारी लड़के के। तो आपको क्या लग रहा है, पुलिस कह रही है कि आपको इंसाफ दिया जाएगा, जिसके शाम भी सुबह से गोली मारी है, तो आपको लग रहा है कि इंसाफ मिलेगा? इंसाफ साहब हमको मन नहीं है, नहीं बन पाएगा इंसाफ, उम्मीद नहीं है। ऐसे मान के चलो पुलिस जो है खुद बॉडी उठा के अपने आप जबरिया में दफन करने के लिए लेके गई है, ये कहीं हुआ है आज तक? ये नाइंसाफी नहीं है, जबरदस्ती नहीं, आम गाँव था हमारा, जाता नहीं दफन में, जल्दबाजी में साहब, जैसा हाथरस में हुआ था वैसे ही हो रहा है। अच्छा, तो पुलिस का यहाँ पर आपको कोई सहयोग नहीं मिल रहा है? सहयोग क्या मिलेगा सर, जब आपके सामने ही है जो भी देख लो। तो इससे यहाँ से कितनी दूरी पर है वो अम्बेडकर पार्क? सर यहीं पास में, खम्भे के पास में, जस्ट बराबर में ही है। अच्छा, ये खम्भे के जी? अच्छा, अरे मूर्ति के पीछे तो नहीं गोली मारी जाती है कोई पुलिस? चलिए तो एक बार हम उधर भी चलते हैं, दिखाते हैं, और देखिए कि एक मामूली से बोर्ड पर लोग, महिलाएं बैठी हुई हैं, एक मातम का माहौल है, गम की स्थिति है, एक बड़ी घटना यहां पर घटी है, पुलिस प्रशासन जबरदस्ती अंतिम संस्कार करने के लिए बॉडी को ले गया, और लोगों में एक आक्रोश और गुस्सा है। वो उस जगह पर हम आपको लेके चलते हैं जहां पर ये पूरी घटना घटी। एक बोर्ड लगाने पर ये विवाद था, गाँव के ही दूसरी जाति के लोग इसका विरोध कर रहे थे, बोर्ड हटाने की मांग प्रशासन से की गई, प्रशासन भारी फोर्स के साथ यहां पर आया JCB लेकर। जब लोग इस बात को लेकर के सहमत नहीं थे कि बोर्ड हटाया जाए, तभी जो है यहां पर जो है ये गोलीबारी जो है यहां पर हो गई, फायरिंग यहां पर हो गई। तो देखिए ये वो बोर्ड है जिस बोर्ड की वजह से यहाँ पर पूरा विवाद हुआ,